हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट अनुज कुमार। मेरे चैनल जस्ट नेचुराले में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समझेंगे कि झूठी एफआईआर के साथ कैसे डील करते हैं। तो हम यह दो स्टेप में जानेंगे। पहला स्टेप कहता है कि यदि आपके अगेंस्ट कभी कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अपने एडवोकेट की हेल्प से एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगानी चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में लगती है, और यदि सेशन कोर्ट में आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आपको हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज के सामने केवल यही बताना है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है यह एक झूठी एफआईआर है और मेरी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए की गई है। कोर्ट को यदि आपकी बात में सच्चाई लगती है तो कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देगी। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी हो। यदि एफआईआर नहीं हुई है बट आपको ऐसा अंदेशा है कि एफआईआर हो सकती है तो भी आप एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगा सकते हैं, और यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो पूरे ट्रायल होने तक कोई पुलिस ऑफिसर आपको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जब तक कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक रहता है। दूसरा स्टेप कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी लेनी है और तुरंत अपने एडवोकेट की सहायता से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है और सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी की क्वेशिंग ऑफ एफआईआर पिटीशन लगानी है। कुछ राज्यों में इसको आर्टिकल 226 यानी कि आर्टिकल 226 की पिटीशन भी कहा जाता है, और पिटीशन लगाने के बाद आपको कोर्ट को बताना है कि मेरे खिलाफ यह जो एफआईआर या ये जो ऑफेंस लगाए गए हैं वह प्राइमा फेसी नहीं बनते हैं, प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं, इसलिए इस एफआईआर को प्लीज़ क्वैश कर देना चाहिए जैसा। और यदि आपकी बात में ऑनरेबल हाई कोर्ट को सच्चाई नज़र आती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश भी कर सकते हैं। एफआईआर क्वैश हो गई तो फिर आपको कोई भी ट्रायल रिलेटेड टू दी एफआईआर भुगतना नहीं पड़ेगा, और यदि कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश नहीं करती है और कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ सच में झूठे एलिगेशंस में एफआईआर हुई है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट एक बार नोटिस जारी करके मतलब नो कॉज ऑफ एक्शन का नोटिस दे सकती है। इसका मतलब है कि जब तक क्वैशिंग पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है आपको कोई भी पुलिस ऑफिशियल अरेस्ट नहीं कर सकता। आई होप सो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल जस्ट नेचुराले को आप लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।